अगर आप चाहते हो कि पार्टनर आपकी बातों को सुने, पार्टनर आपकी बातों को समझे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आज के इस वीडियो में तीन ऐसी कमाल की बातें मैंने आपको बताई है जिस वजह से पार्टनर भी आपकी बातों को सुनेंगे, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। कई बार रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे हम पार्टनर को कोई बात समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन पार्टनर समझने को तैयार ही नहीं रहता, काफी ज्यादा इग्नोर करता है और काफी ज्यादा दूरी बना लेता है। आखिर उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रावण और आप देख रहे हो स्काइल। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहली बात जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जब भी आपके रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, उस वक्त रिलेशनशिप को स्टेबल करने पे ध्यान दो, रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने पे ध्यान मत दो। जब भी पार्टनर और आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उसी वक्त हम पार्टनर को बहुत सारी बातें समझाने की कोशिश करते हैं और ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। याद रखना, जब भी आपके और पार्टनर के बीच में फाइट होती है, फाइट के बाद आप पार्टनर को कोई बात नहीं समझा सकते, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी रहती है कि वहां पे अगर आप कोई छोटी बात भी उन्हें समझाने की कोशिश करोगे तो चांसेस काफी ज्यादा हाई है कि उन बातों के वजह से और ज्यादा फाइट हो। लेकिन हमारा बिहेवियर ही ऐसा रहता है कि जब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है या फिर कोई प्रॉब्लम होती है या रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा फाइट्स होती है, हम चाहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वहाँ पर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में मत सोचो, वहाँ पर रिलेशनशिप को स्टेबल करने के बारे में, पार्टनर को शांत करने के बारे में, खुद को शांत करने के बारे में सोचो। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो अगर आप पानी में डूब रहे हो, किसी नदी में आप डूब रहे हो, तो उस वक्त आप तैरने की कोशिश नहीं करते हो, आप तैरना नहीं सीखना चाहते, उस वक्त आप जान बचाने की कोशिश करते हो, उस वक्त आप जान बचाने के बारे में सोचते हो। तो जब भी आप डूबते हो तो आपको ये नहीं कि मुझे बहुत अच्छा स्विमर बनना है, मैं बहुत अच्छी स्विमिंग करूँगा, मैं तैरना सीखूँगा, नहीं, इस वक्त मेरी जान बच जाए इतना काफ़ी है। इसी तरीके से जब रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है, तब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि लाइक अब रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करना है या रिलेशनशिप को बहुत अच्छा करना है, रिलेशनशिप को स्टेबल करना है, यानी कि एटलीस्ट ऐसी सिचुएशन में आपको रिलेशनशिप को लेकर जाना है जहाँ पे आपके और उनके बीच में फाइट्स ना हो रही हो, तभी आप उन्हें कोई बात समझा सकते हो। लेकिन हम पहले ही समझाने की कोशिश करते हैं और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पार्टनर हमारी बात समझ जाए, लेकिन पार्टनर हमारी बात समझने को तैयार ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम गलत टाइम पे पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जांपल देता हूँ, उससे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे मान लो आपने प्लान किया पार्टनर के साथ मिलने का कि हम नेक्स्ट मंथ मिलते हैं या फिर हम नेक्स्ट वीक मिलते हैं। अब आपके और पार्टनर के बीच में फाइट हो गई किसी और टॉपिक से रिलेटेड, किसी और टॉपिक के वजह से। अब हम क्या करते हैं, उसी वक्त मिलने के बारे में पूछ लेते हैं। अब फाइट होने के बाद सिचुएशन तो खराब है और नो डाउट इस वक्त आप पार्टनर से पूछोगे तो पार्टनर मिलने के लिए मना ही करेगा। तो इस सिचुएशन में अगर पार्टनर मिलने के लिए मना भी कर देता है तो आप कुछ टाइम के लिए ये टॉपिक बार बार मत निकालो। मिलने का प्लान फिर से आपको तब करना है जब सिचुएशन स्टेबल हो जाए। इसी गलती को हम करते भी हैं। हम क्या करते हैं, अब मिलने का प्लान कैंसिल हो गया तो बार बार पार्टनर को कन्विंस करते हैं मिलने के लिए, और इस वजह से क्या होता है ना, वो फाइट और ज़्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए अगर पार्टनर मिलने का प्लान कैंसिल कर भी देता है, उस सिचुएशन में ज़्यादा ओवर रिएक्ट मत करो। जैसे ही आपको लगता है सिचुएशन स्टेबल हो गई एक दो दिन में, बाद में ये टॉपिक निकालो, बाद में रिलेशनशिप के बारे में डिस्कस करो। यानी कि जब भी फाइट होती है तब आपको कोई बात डिस्कस करने के बारे में नहीं सोचना है। जैसे रिलेशनशिप थोड़ा शांत हो जाता है फिर आप बातें डिस्कस करो, क्योंकि तब अगर आप बातें डिस्कस करोगे तो पार्टनर आपकी बात सुनेगा भी और आपको समझेगा भी। इस तरीके से आपको चलना होगा। दूसरी बात, अपनी बात मनवाने के लिए नाराजगी भी दिखाना सीखो। यकीन करो रिलेशनशिप में नाराजगी का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। कई बार क्या होता है ना, पार्टनर को समझाने के लिए हम अगर नाराज़ हो जाते हैं तो पार्टनर हमारी बात समझ जाता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मान लो आपके जो पार्टनर है उनके बहुत गलत दोस्त है, आपको उनके दोस्त पसंद नहीं है क्योंकि उनके दोस्त अच्छे नहीं है। अब ऐसा नहीं कि सभी दोस्तों से आपको प्रॉब्लम है,
कुछ दोस्तों से आपको प्रॉब्लम है, लेकिन आपका पार्टनर उन दोस्तों से भी अटैच है। अभी सिचुएशन में क्या होता है ना, हम पार्टनर को बहुत ज़्यादा इरिटेट होकर समझाते हैं, परेशान होकर समझाते हैं, जिस वजह से पार्टनर आपसे फाइट करता है लेकिन उन दोस्तों को नहीं छोड़ता है। क्योंकि यहाँ पे हमने क्या गलती की है, हमने इरिटेट किया है, हमने फाइट्स की है, लेकिन इस सिचुएशन में एग्जैक्टली हमें क्या करने की ज़रूरत है, ये पार्टनर को बताने की ज़रूरत है कि मुझे आपके सभी दोस्तों से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे आपके कुछ दोस्त बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और मैं चाहता हूँ या फिर मैं चाहती हूँ कि आप इनसे बात ना करो। लेकिन अगर वो फिर भी बात कर रहे हैं तो वहाँ पर नाराज़गी दिखाओ, साइलेंट हो जाओ, ये करो, ये शो करो कि आपको बुरा लगता है, ये शो करो कि आपको ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, लेकिन ये शो करने के लिए साइलेंट हो जाओ। ऐसा नहीं कि आप गुस्सा निकाल रहे हो, इरिटेट हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको नाराज़गी दिखाना सीखना होगा। अगर आप सही तरीके से नाराज़गी दिखाते हो, देन यकीन करो पार्टनर भी अपने बिहेवियर को बदलने के बारे में सोचता है। क्योंकि जब भी आप नाराज़गी दिखाते हो तब फाइट्स नहीं होती है, तब मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती है, तब इश्यूज नहीं होता है, तब पार्टनर को गुस्सा नहीं आता है। क्यों? क्योंकि आप पार्टनर से फाइट नहीं कर रहे हो, बिना बोले पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हो। एक दो बार आपने पार्टनर को बता दिया कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, फिर आपने पार्टनर को पूरा मौका दे दिया कि वो क्या करना चाहते हैं। जब आप इस तरीके से चलोगे ना, यानी कि पार्टनर को उनकी गलती बता के नाराज होना सीखोगे, अपनी बात पार्टनर के सामने रखोगे, पार्टनर अगर उस बात को फॉलो नहीं कर रहा है तो नाराज होना सीखोगे, तो इस नाराजगी के वजह से उनकी अटैचमेंट भी बढ़ेगी, आपके बीच में फाइट्स भी नहीं होगी, आपकी वैल्यू भी कम नहीं होगी, और इसी के साथ पार्टनर अपने लाइफ में भी बदलाव लाएगा। इस चीज को जितने जल्दी आप समझोगे, यकीन करो आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा तीसरी बात जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कभी भी अपनी बात रोकर, परेशान होकर, दुखी होकर उन्हें मत बताओ। अगर आप ये गलती करते हो कि आप उन्हें रोकर बता रहे हो, परेशान होकर बता रहे हो, दुखी होकर बता रहे हो, देन ट्रस्ट मी, इससे सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होगी, आपके बीच में निगेटिविटी और ज़्यादा आएगी, और पार्टनर या तो आपसे झूठ बोलना स्टार्ट कर देगा या फिर आपके रोने से पार्टनर को फर्क ही नहीं पड़ेगा। सबसे आसान तरीका जो हमें लगता है किसी को कोई बात समझाने का, वो है परेशान होकर समझाने का, रोकर समझाने का, गुस्से में आकर समझाने का, लेकिन इससे कोई आपकी बात समझता नहीं है, बल्कि और ज़्यादा इमोशनली स्ट्रांग बनता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे मान लो कि पार्टनर ने कहा कि शाम को वो आपके साथ कॉल पर बात करेंगे, लेकिन शाम को उनका कॉल नहीं आया। अब आप तो सारा दिन से उनका वेट कर रहे थे, तो नो डाउट अब आप यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए। लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी हमारी बात होती है फिर उन्हें परेशान होकर, गुस्से में आकर, रोकर उन्हें समझाते हैं, क्या सारा दिन से आपने कॉल नहीं किया, मैं तो वेट कर रही थी, आपको कॉल करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपने ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया। जब हम बोल कर, परेशान होकर, गुस्सा होकर समझाते हैं, तो इस वजह से उनको मौका मिल जाता है आपको इग्नोर करने का, उनको मौका मिल जाता है आपसे दूरी बनाने का, उनको मौका मिल जाता है कि वो भी धीरे धीरे खुद को इमोशनली स्ट्रांग बनाए। इसलिए कभी भी आपको रोकर या परेशान होकर, गुस्से में आकर, इरिटेट होकर कोई भी बात उन्हें समझानी नहीं है। अगर उनकी भी गलती है, साफ शब्दों में, कम शब्दों में, स्ट्रांग वर्ड्स में उन्हें उनकी गलती बताओ। अगर आप ये चाहते हो ना कि मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊं कि पार्टनर को उनकी गलती कैसे रियलाइज करवाए, तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अभी भी आपके मन में कोई सवाल है, डायरेक्टली वो सवाल आप कॉल पे मुझसे डिस्कस करना चाहते हो, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और इंस्टाग्राम पर भी मैं काफ़ी अमेजिंग वीडियोज़ बनाता हूँ, तो इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजिए।